नमस्कार द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ रितु शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 15 अगस्त तक टली अयोध्या मामले की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता समिति को दिया 3 महीने का समय। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी और सुरक्षा बलों में हुई मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर मामले पर हुए सख्त, महिला अत्याचारों को रोकने के 3 बड़े फैसले, मुकदमों के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। और SMS हॉस्पिटल की लाइफलाइन में लगी आग, 1 महिला की मौत, सरकार ने कमेटी गठित करने के लिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या मामले की सुनवाई की है। 5 जजों की पीठ का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया। इसमें न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े, एस ए नजीर, अशोक भूषण और DY चंद्रचूड़ शामिल थे। मध्यस्थता समिति ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जजों को सौंपी। सकारात्मक समाधान के लिए मध्यस्थता समिति ने अदालत से 15 अगस्त तक का समय मांगा, जो उसे मिल गया। अब मामले की अगली सुनवाई 15 अगस्त के बाद होगी। 3 सदस्यों वाली मध्यस्थता समिति ने अदालत से और समय मांगा ताकि इस मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 15 अगस्त तक का समय दे दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम आपको यह नहीं बताने वाले कि क्या प्रगति हुई है, यह गोपनीय है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने 3 सदस्यों वाली एक मध्यस्थता समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता अदालत के पूर्व जज जस्टिस FMI कलीफुल्ला कर रहे हैं। 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता समिति को 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। देश में 6ठे चरण के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं। 6 चरण के लिए देश की 7 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें दिल्ली की 7, बिहार की 8, हरियाणा की 10 सीटों पर चुनाव होंगे। इसी तरह झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। अब तक देश में 5 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव 19 मई को होंगे और परिणाम 23 मई को आएंगे। जम्मू कश्मीर में शोपिया के आशीपुरा इलाके में शुक्रवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 1 आतंकी ढेर कर दिया है। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। मारे गए आतंकी की पहचान सोपोर निवासी इशाक सोफी के रूप में हुई। यह इस्लामिक स्टेट जम्मू और कश्मीर का कमांडर था। इशाक सोफी 2015 में हरकुट मुजाहिदीन में शामिल हो गया था और बाद में 2016 में गिरफ्तार भी हुआ था। बताया जा रहा है कि इसके बाद जून 2018 में इस्लामिक स्टेट जम्मू और कश्मीर आतंकी गिरोह में शामिल हो गया था। गौरतलब है कि सेना ने पहले आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद देर रात पूरे इलाके की घेराबंदी की। इस दौरान आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। दिल्ली में 12 मई को सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इससे पहले दिल्ली की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। पूर्वी दिल्ली से BJP उम्मीदवार गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी मारलेना के सभी आरोपों को खारिज करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ना ही तो मैं और ना ही BJP झूठी राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि अगर आपके आरोप सच्चे हैं तो वह मेरे खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करा दे। गौतम गंभीर ने कहा है कि राजनीति में अच्छे लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं। अगर मैंने कुछ किया है तो आम आदमी पार्टी सबूत दे। उन्होंने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिश के खिलाफ मानहानि का केस किया है। गंभीर ने आगे कहा, मैं सच्चा हूं, अगर वो सच्चे हैं तो क्रिमिनल केस करें, मैं जनता को जवाब दूंगा। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मुझे शर्म आती है कि अरविंद केजरीवाल मेरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा, मेरे घर में 5 महिलाएं हैं, मुझे उनकी इज्जत करनी आती है, ये किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। 1984 के सिख दंगों पर जो हुआ सो हुआ कहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने सफाई दी है। सैम पित्रोदा ने कहा कि मेरे बयान को BJP तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और उनके पास अब कोई चुनावी मुद्दा नहीं बचा है। सैम पित्रोदा ने कहा था कि 1984 दंगों में जो हुआ सो हुआ, लेकिन 5 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया। सैम पित्रोदा ने ट्वीट किया कि मैंने देखा है कि कैसे BJP फिर से मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। BJP हमें बांटने और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये बयान घुमा रही है। दुख की बात है कि उनके पास पेश करने के लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सैम पित्रोदा ने गुरुवार को 1984 के दंगों पर बयान दिया था। सैम पित्रोदा ने कहा था कि 1984 दंगों में जो हुआ सो हुआ, लेकिन 5 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया।
सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है और उनसे 1984 दंगों पर बयान के लिए माफी मांगने को कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर मामले पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने महिला अत्याचारों को रोकने के लिए बड़े फैसले किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि महिला अत्याचारों को निपटने के लिए सरकार एक अलग से नई पोस्ट क्रिएट करेगी जो इस तरह के मामलों को प्राथमिकता से देखेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भाजपा सरकार में ही बढ़ती जा रही हैं, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भाजपा सरकार की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। उस दौरान पीड़ित थाने में जाने से भी डरते थे, लेकिन अब हमने पुलिस महकमे को साफ आदेश दिए हैं कि कोई भी पीड़ित थाने में आता है तो उसकी FIR दर्ज की जाए। सिर्फ नंबर बढ़ने के डर से किसी भी पीड़ित को खाली हाथ न लौटना पड़े। मैंने तय किया है कि एक पुलिस सीओ लेवल का ऑफिसर जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार, उसमें किडनैपिंग भी आती है, उसमें रेप केस भी आते हैं, उसमें गैंग रेप भी आते हैं, सभी आएंगे। सीओ लेवल का ऑफिसर उसकी मॉनिटरिंग करेगा। इन फ्यूचर पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर नई पोस्ट क्रिएट की जाएगी, उसकी मॉनिटरिंग होगी। ये इस प्रकार से मैंने निर्णय किया अभी। और ये घटनाएँ जो है इस रूप में सामने आ रही है, उसमें 3-4 जिलों में ज़्यादा घटनाएं हुई है। पिछली सरकार ने क्योंकि ध्यान दिया नहीं, हमेशा जो केस नंबर है FIR नंबर कितने कम ज़्यादा हुए उसके आधार पर हमारे गृह मंत्री जी अप्रिशिएट करते गए, हौसला अफजाई करते गए, उसके कारण और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं। हमने तय किया है सरकार बनते ही मैंने DG पुलिस को ये निर्देश दिए थे कि संख्या की चिंता नहीं करें, जो थाने में जाएगा उसकी FIR लॉज होगी। राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी में पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंगरेप करने और वीडियो वायरल करने के मामले में अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में छोटेलाल गुर्जर, इंद्रराज गुर्जर, अशोक हंसराज गुर्जर व महेश गुर्जर एवं वीडियो वायरल करने के आरोप में मुकेश को गिरफ्तार किया है। इधर पुलिस ने पीड़िता के धारा 164 के तहत अलवर की अदालत में बयान दर्ज कराए। CO जगमोहन शर्मा ने बताया कि गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार 4 आरोपियों ने विवाहिता से गैंगरेप करना कबूल किया है। मुख्य आरोपी बानसूर के कराना निवासी छोटेलाल गुर्जर को पकड़ लिया और वह गुजरात भागने की फिराक में था। उधर सरकार ने गैंगरेप मामले में पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रशासनिक जांच बैठा दी है। जयपुर संभागीय आयुक्त मामले की जांच कर 10 दिन में रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेंगे। आज आखिरी मुलजिम को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अब 5 वो मुलजिम जो कि रेप में शामिल थे गिरफ्तार हो चुके हैं और एक अभियुक्त जिसने वीडियो वायरल किया उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अब जो साक्ष्य है उसका वैज्ञानिक परीक्षण करके हम जल्दी से चालान पेश करेंगे और प्रयास करेंगे कि न्यायालय में जल्द से जल्द ट्रायल पूरा हो और बड़ी से बड़ी सजा इन्हें मिले। ये अत्यंत घृणित अपराध है जिसे समाज में किसी भी रूप में स्वीकारा नहीं जा सकता। मुझे तनाव काम का नहीं था, मुझे तनाव इस प्रकार का अपराध घटित होने से था। हमें सफलता मिली है, सभी के सहयोग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल के परिसर में आग लग गई जिसमें लाइफलाइन की दुकान जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अस्पताल परिसर में आग लगने से एक महिला मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि वार्ड से शिफ्टिंग के दौरान मरीज को सांस लेने में दिक्कत हुई, डॉक्टरों ने भी मरीज को नहीं संभाला। इस हादसे में करौली निवासी 60 वर्षीय बड़ा देवी की मौत हो गई। SMS में आग लगने से 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। यह घटना आज सुबह की है। वहीं कैंसर एवं आसपास के विभागों से मरीजों को शिफ्ट किया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में लाखों रुपए की दवाइयां रिकॉर्ड जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने SMS अस्पताल का दौरा किया। चिकित्सा मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि किसी भी मरीज को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जाए। सरकार ने मामले के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
आचार संहिता के दौरान गहलोत कैबिनेट ने 2011 की कनिष्ठ लिपिक परीक्षा के बाद लगे 216 अभ्यर्थियों को नियमित करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। लेकिन फैसले के साथ यह शर्त भी जोड़ दी गई है कि इन अभ्यर्थियों ने 2016 तक जो सेवाकाल पूरा किया है उसे इनके अनुभव व प्रमोशन में शामिल नहीं माना जाएगा। ऐसे में सरकार के इस फैसले से इन लिपिकों के नियमित होने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इनमें से जो लिपिक सरकार में पहले ही फिक्सेशन पाकर प्रमोशन भी ले चुके हैं, अब उनके स्तर पर डिमोशन का खतरा भी मंडरा गया है। हालांकि कोर्ट का फैसला आने तक ये अभ्यर्थी सरकार में नियुक्ति पा चुके थे। इनमें से करीब 37 अभ्यर्थी सचिवालय सेवा में और शेष अधीनस्थ सेवाओं में ले लिए गए थे। ऐसे में कोर्ट ने सरकार पर यह फैसला छोड़ दिया कि इन लिपिकों को सेवा में रखा जाए या निकाल दिया जाए। इसके बाद पिछली वसुंधरा सरकार ने भी इन लिपिकों को नियमित करने के लिए तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में सब कमेटी गठित की थी। सब कमेटी ने मई 2018 में अनुशंसा की कि इन लिपिकों का प्रोबेशन 2013 से ही माना जाएगा, लेकिन इनकी सीनियोरिटी नीचे कर दी जाएगी। इस फैसले का अनुमोदन तत्कालीन कैबिनेट में भी हो गया था। प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई गई 700 मेडिकल सीटों को भरने की अनुमति दे दी है। अब कुल 2700 मेडिकल सीटें हो गई हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों ने केंद्र सरकार से सीटें बढ़ाने की अनुमति मांगी और केंद्र ने वर्ष 2018 में यह अनुमति दे दी, लेकिन MCI की अनुमति के बिना एडमिशन नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में MCI की टीमों ने सभी मेडिकल कॉलेजों में निरीक्षण किया और संतुष्टि होने पर वर्ष 2019-2020 के लिए 7 निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की अनुमति दे दी है। निरीक्षण के दौरान संतुष्टि नहीं होने और विवादों के चलते उदयपुर की पैसिफिक मेडिकल कॉलेज को सीटें बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई। चार दीवारी के हेरिटेज बाजारों में कई सालों बाद एक बार फिर ऑपरेशन पिंक चलेगा। गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार ने बाजारों के बरामदे खाली कराए थे। इसके बाद धीरे धीरे फिर ये बरामदे दुकानों के कब्जे में आ गए। अब स्मार्ट सिटी का पहला बाजार किशन पोल बना तो बरामदों पर नजर गई। जब तक पैदल चलने वालों को बरामदे नहीं मिलते, बाजार स्मार्ट नहीं हो सकते। यह समझते हुए स्मार्ट सिटी कंपनी, नगर निगम और पुलिस मिलकर बरामदों में किए गए कब्जों को हटाएंगे। पहले समझाएंगे, व्यापारी नहीं माने तो जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। शुरुआत चांदपुर बाजार के बरामदों से होगी। स्वायत्त शासन निदेशालय के सभागार में स्मार्ट सिटी कंपनी अध्यक्ष सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की 13वीं बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी की एक संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई का निर्णय किया गया। चार दीवारी में स्मार्ट सिटी के कार्यों की निगरानी के लिए हवा महल पूर्व व पश्चिम जोन के उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत लोकसभा से अधिक रहा है, लेकिन ये ट्रेंड बदल रहा है। जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव 2018 में वोट प्रतिशत 1.46% घटा और लोकसभा चुनाव में 3% मतदान बढ़ा है, ऐसे में 2035 तक विधानसभा और लोकसभा में वोटिंग प्रतिशत बराबर होगा। उधर चुनाव आयोग के अफसरों का मानना है कि मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने की मुहिम जारी रही तो 10 साल में ही ये बराबर होगा। विधानसभा चुनाव 2013 के मुकाबले 2018 में मतदान प्रतिशत 1.46 घटा था और 74.21% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव 2014 के 63.1 के मुकाबले 2019 में वोट प्रतिशत 3% बढ़ा और 66.7% तक बढ़ा है। इस तरह से आगामी 15 साल में मतदान का ये ट्रेंड बदल जाएगा। IPL में सबसे कम उम्र की टीम दिल्ली कैपिटल्स अपने पहले खिताब से 2 कदम दूर है। इसका मुकाबला अब विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई राजशेखर रेड्डी ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम में IPL की सबसे उम्रदराज चेन्नई सुपर किंग्स से होना है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई जहां 3 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम कर चुकी है, तो वहीं फाइनल में पहुंची टीम मुंबई इंडियंस ने भी 3 बार खिताब जीता है। IPL के 12वें संस्करण में बदले हुए नाम से उतरी दिल्ली फ्रेंचाइजी ने अपने प्रदर्शन से खुद के इतिहास में बड़ा बदलाव करते हुए सभी को हैरान किया। इस साल 6 सीजन बाद प्लेऑफ में पहुंचने वाले दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बार अंतिम 4 में जीत हासिल की और अब पहली बार फाइनल में पहुंचने से 1 कदम की दूरी पर है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।